थाना कूम कलां अधीन पेंदे श्री भैनी साहब के निवासी नौजवान जगमोहन सिंह ने जहरीली वस्तु खा के आत्महत्या कर ली। उस वालों लिखे सुसाइड नोट च अपने दोस्त गुरिंदर सिंह नूं विदेश जाने लई दित्ते 10 लाख रुपए वापिस ना मुड़न तो परेशान होने कारण एक खतरनाक कदम उठाया गया। मृतक की भैन सुरजीत कौर ने पुलिस को बयान दर्ज करवाए कि उसका भरा जगमोहन सिंह जो कि हजे तक कुआरा सी अते करीब 12 साल पहला इंग्लैंड गया सी ते उत्थे 4.5 साल काम करके वापिस परत आया। जगमोहन सिंह फिर वापिस इंग्लैंड जाना चाहुंदा सी जिसलिए उसने 7 साल पहला अपने दोस्त गुरिंदर सिंह नूं 10 लाख रुपए दिते सी तां जो अपनी पहचान दे एजेंट राही उसनू विदेश लै जाए। बयानकर्ता अनुसार 10 लाख रुपए लैण वाले गुरिंदर सिंह ना तो जगमोहन सिंह विदेश लैके गया अते ना ही उसके पैसे वापस किए जिस कारण उसका भरा परेशान रहने लगा। उसने दसिया कि जगमोहन सिंह ने 5 जून शाम को एक खाली कापी च कुछ लिख के बाहर नू चला गया अते करीब 8:15 बजे उसनू पता लगा कि उसका भरा भैनी साहब विखे हाकी के ग्राउंड में बेसुध पिया है। बयानकर्ता अनुसार वो अपने भरा गड्डी राही अपोलो हस्पताल ले जा रहे सन तो रास्ते उसने दसिया कि गुरिंदर सिंह वालों विदेश ना भेजन अते ना ही 10 लाख रुपए वापिस मुड़न कारण उसने जहरीली वस्तु खाधी है। हस्पताल पुजन से जदों उसकी जाँच की गई तो जगमोहन सिंह ने उन्हें मृतक ऐलान कर दिता। की नाम है? मेरा नाम सुखजीत कौर, प्रतंत्र नाम जगमोहन सिंह। केड़ा पिंड? भैनी साहब जी। की होया सीगा? किन्ने साल दा सी? 37 साल दा सी। की केस है, की मामला? कुछ नहीं जी, उन्होंने बाहर जाने वास्ते ना पैसे दिते सीगे और प्रफुल्ल सिंह ने। किन्ने पैसे? 10 लाख रुपए। फिर बाहर गए? नहीं, बाहर भी नहीं भेजा। उन्हां दे बेटे बाहर गए सीगे, वो कहिंदे भी एजेंट वधिया आ भी पैसे भी मैं तुहानूं बाहर भेज दूंगा। चलो उन्हें पैसे दे दिते, वो फिर ना पैसे दिते आ ना ही उन्हें बाहर भेजे। फिर वो नोट लिख के मतलब कर गया, टेंशन में रहने लग गया। फिर परसों ने नोट लिख के ये दवाई खा ली कोई, फिर ये डेथ हो गई। की मांग कर दी है? बस असी पे ही कहने भी सानू इंसाफ मिलना चाहिए। साडा एक ही एक भरा सीगा, और कोई नहीं है, ना चाचा ना ताया ना मामा। साडा घर खत्म हो गया, 4 भैन एक भरा है, एक मेरे मम्मी है बस। पुलिस थाने कोई दरखास्त दिती है, कोई एप्लीकेशन कुछ? हाँ जी दिती है जी, SHO साहब आए सी, कहते कोई गल नहीं सी, थोड़ा साथ दवांगे, साफ दवावांगे। पर कल आए सी, परसों आए सी। की नाम है? मेरा नाम संत सिंह। हाँ जी। की लाते जी थोड़े? मेरे चाचा ही लाते। की होया सीगा? सर उन्होंने पैसे दिते सी साने वाले भरपूर सिंह के नाम बंदे ने। किन्ने? 10 लाख रुपया जी। तो उन्होंने उन्होंने लारे च रखा जी, धोखेबाजी से भी मैं थोड़ा बहर भेज दूंगा। तो वो पैसे वापस नहीं किए जी, ना उन्होंने बहर भेजे जी। हूँ तुम की मंग करते? अच्छी तो इंसाफ की मंग करते जी सरकार को, सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए जी, तो इंसाफ दवाया जी। एक जगमोहन सिंह सी, पुत्र पलविंदर सिंह, पिंड श्री भैनी साहब तो। यह अरसा करीब 12 साल पहला इंग्लैंड गया सी, 4.5 साल ला के वो उतों वापस आ गया सी। उदों बाद यह वापस नहीं सी गया, हले यह पिंड भैनी साहब च रहिंदा सी। ते इन्हें मिती 5-6 नूं शाम समय कोई जहरीली दवाई पी के सुसाइड कर लिया। ते सू इहदी SPS हस्पताल शेरपुर चौक इहदी मौत हो गई, इह लै के इलाज लई। ते एक सुसाइड नोट लिख के गया इहने, गुरविंदर सिंह उर्फ भरपूर सिंह सानी खुरद दा। उहने इहतों 10 लाख रुपया लिया सी इंग्लैंड भेजण वास्ते, ना उहने उहदे पैसे वापस करे आ ते ना वी इहनूं बाहर भेजिआ। उहदे दुखों इहने सुसाइड कर लिया। इहदी भैण दे सुखजीत कौर दे बयान ते मुकदमा दर्ज होया, मुकदमा नंबर 100 मिती 6/6/2020 अंडर सैक्शन 306 IPC PS कूंकला दर्ज होया। जिरे तफतीस मृतक जगमोहन सिंह की बॉडी का पोस्टमार्टम करा के कल मिती 6/6 ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।